So guys, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं iQOO के न्यू 9 Pro डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सीरीज को एनेबल कैसे करेंगे। मींस कि गाइस, अगर आपके फोन पर कोई भी अननोन नंबर से कॉल करता है तो उसकी भी जो कॉल है ऑटोमेटिक रिकॉर्ड आप कर सकते हो। बिल्कुल, चलो डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग सीरीज को एनेबल कैसे करते हैं। वेल गाइस, फोन के अंदर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग्स को एनेबल करने के लिए हम एक्सेस करेंगे यहां पर गूगल डायलर का, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल एक्सेस करते हैं गूगल डायलर फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट आता है। इसलिए एक बार उसको प्रेस करके ओपन करते हैं। गूगल डायलर का होम एंटर डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से आपको मिल जाता है। कॉर्नर साइड में देखेंगे, राइट साइड में इसको 3 डॉट पर प्रेस करना है। सेटिंग्स पर जाना है, कॉल रिकॉर्डिंग का एक सेटिंग्स होगा, इसको जस्ट आप प्रेस करेंगे एंड यहां पर देखेंगे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड अननोन नंबर्स का ये जो सेटिंग्स है ये ऑलरेडी मेरे फोन के अंदर एनेबल्ड है। अगर आप यहाँ का आपका डिसेबल्ड है तो आपने यहाँ पर आके इसको एनेबल करके ऑलवेज रिकॉर्ड पे सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग एनेबल हो जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन होगा दीज नंबर, इसको आप प्रेस करना है। इसमें कहता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की कॉल को रिकॉर्ड करना, लाइक किसी का भी नंबर हो सकता है। चूज ए कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगा। देन उस पर्सन को सिलेक्ट करिए जिसकी कॉल को सिर्फ आपको रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ से इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एक सेटिंग्स इसके अंदर एक्स्ट्रा आ चुका है प्ले ऑडियो ट्यून का, जो ये प्ले ऑडियो ट्यून का जो सेटिंग है इसमें होता क्या है कि अगर आप किसी की कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, पहले अनाउंसमेंट आती थी दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, बट अभी ये जो है अगर प्ले ऑडियो ट्यून को इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पर ये जो है वॉइस नहीं आएगी, दैट मीन्स अनाउंसमेंट नहीं आएगी और आसानी से आप जो किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई थिंक समझे होंगे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग्स को एनेबल कैसे करना था iQOO के न्यू 9 Pro डिवाइस के अंदर।